सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लो सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सवे पावपनासनो मंगलानं च सवे सिंह पढ़ मंगहवाई मंगलम मंगलानं च सवे सिंह पढ़ मंगहवाई मंगलम दयापाल अरहंत भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं बोलिए भगवान महावीर स्वामी की चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज जी की खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की करिने कल्याण प्रभु महावीर आ गए करिने कल्याण प्रभु महावीर आ गए अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए अमृत पीला गए वो अमृत पीला हिंसा की क्रूरता से मानव विकल था कोई विरोध करे इतना ना बल था इतना ना बल था हिंसा की क्रूरता से मानव विकल था कोई विरोध करे बल था इतना ना बल था महावीर आए एक क्रांति सी ला गए महावीर आए एक क्रांति सी ला गए अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए अमृत पिला गए वो अमृत पी करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए अमृत पिला गए वो अमृत पिला गए अमृत पिला गए वो अमृत पी धर्म के शरीर में से आत्मा निकल गई इसलिए ही दुनिया थी पापों में ढल गई पापों में ढल गई धर्म के शरीर में से आत्मा निकल गई इसलिए ही दुनिया थी पापों में ढल गई पापों में ढल गई नए प्राण डाल कर धर्म को जिला गए नए प्राण डाल कर धर्म को जिता गए अमृत पीला गए वो अमृत पीला गए अमृत पीला गए वो
धर्म का है राजपथ, इस पे चले चलो, संकटों को आफतों को हर दम दले जलो, हर दम दले जलो। धर्म का है राजपथ, इस पे चले चलो, संकटों को आफतों को हर दम दले जलो, हर दम दले चलो। चल के स्वयं सबको चलना सिखा गए, चल के स्वयं सबको चलना सिखा गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए, अमृत पिला पिला गए। करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, अमृत पिला गए, अमृत पिला गए, अमृत पिला आग से जो खेलेगा वही जल जाएगा, शांति वो पाएगा जो शांति पहुंचाएगा, जो शांति पहुंचाएगा। सीधी सी बात सबके मन में बिठा गए, सीधी सी बात सबके मन में बिठा गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए। करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला। जो कुछ किया प्रभु वीर ने उपकार है, भूल नहीं सकता कभी भी संसार है, कभी भी संसार है। जो कुछ किया प्रभु वीर ने उपकार है, भूल नहीं सकता कभी भी संसार है, कभी भी संसार है। सूखी धरा पे ज्ञान गंगा बहा गए, सूखी धरा पे ज्ञान गंगा बहा गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए। करने कल्याण प्रभु महावीर आ गए, करने कल्याण आ गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए, अमृत पिला गए वो, अमृत पिला गए। त्रिशलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। वीर अति वीर की धीर गंभीर की, वीर अति वीर की धीर गंभीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की, सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर
पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी सुन रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को। और अब वक्त आ गया है जब हम भगवान महावीर को सुनेंगे। उनकी तो हमेशा ही सुनी है, लेकिन उनको भी सुने कि जो उन्होंने उपदेश दिया, जो उन्होंने हमें सिखाया, जो मार्ग हमें बताया, क्या वो उन मार्ग पर पहले चले थे या नहीं? क्या वो उन उपदेशों का अनुसरण उन्होंने पहले किया या नहीं? ये विशेष जानने योग्य बात है, क्योंकि बंधुओं, शिक्षा उसी की लगती है जो खुद शिक्षित हो। अब कोई अशिक्षित व्यक्ति किसी को कितना भी कहे, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, तू पढ़ ले, सामने वाले के ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन यदि कोई शिक्षित व्यक्ति किसी को पढ़ने की प्रेरणा देता है, उसका असर होगा। कोई त्यागी व्यक्ति किसी को त्याग करने की प्रेरणा दे, उसका असर होगा। कोई संयमी व्यक्ति किसी को संयम लेने की प्रेरणा दे, उसका असर होगा। इसलिए प्रभु महावीर ने जो शिक्षा दी, क्या उनका अनुसरण भगवान ने स्वयं किया? जानना तो यह है, और यही जानने के लिए आर्य जम्बू स्वामी अपने गुरु के पास जा रहे हैं। अपने गुरु के निकट पहुंचे, मन में अनेकों शंकाएं, अनेकों जिज्ञासाएं हैं, और आज ये जिज्ञासाएं जो गोचरी लेते समय जो लोगों ने प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों के कारण उनके भीतर में बहुत सी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई, और आज उन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए आर्य जम्बू अपने गुरु के पास गए, वंदन नमस्कार किया, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया, और निवेदन करते हुए अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। आज हम वीर स्तुति में प्रवेश कर रहे हैं, और उन्होंने पूछा अपने गुरु से, पूछी सुनंग सम ना महणाए आगारी नोया परतिथियाया से के ने गंग तहियंधम माहू आने ली संसाहु समिख याया। बंधुओं, पूछी सुनंग समणा महानाय, पूछते हैं श्रमण ब्राह्मण मुझसे, अनेक श्रमण ब्राह्मण क्षत्रिय गृहस्थ अन्य तीर्थिक लोग आगारिनो या परतिथ्याय, अनेक तीर्थिक लोग यानी अन्य संप्रदायों को, अन्य तीर्थों को, अन्य मत मतावलंबियों को मानने वाले वो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, से कई नेगंग तहियंग धम्म माहू अनिलिसंग साहू समिखयाय। वो पूछते हैं गुरुदेव कि वो महाश्रमण महावीर कौन थे जिन्होंने एकांत हित रूप अनुपम धर्म अच्छी तरह से बताया।
आत्मा के लिए हितकारी, एकांत हित रूप शब्द को पकड़ा उन्होंने। उन्होंने कहा एकांत हित रूप, यानी जो आत्मा के लिए सिर्फ हितकारी हो, कल्याणकारी हो, ऐसे उस धर्म को बताने वाले प्रभु महावीर कौन थे, कैसे थे? प्रभु मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अनेक लोग मुझसे पूछते हैं, श्रमण ब्राह्मण मुझसे पूछते हैं, और मैं उनको क्या बताऊंगा। इसलिए अब वो जो जानना चाहते हैं, अब आपने ये तो पूछ लिया कि मैं भगवान महावीर के विषय में जानना चाहता हूँ, लेकिन भगवान महावीर के विषय में क्या जानना चाहते हैं? समझ आया आपको? आप किसी पंडित के पास गए, कुंडली दिखाई और उस कुंडली को दिखाकर पूछने लगे, पंडित जी मैं इस बच्चे के विषय में जानना चाहता हूँ। अब पंडित आपसे दूसरा प्रश्न करेगा, आप इससे क्या जानना चाहते हो, इसमें से क्या पूछना चाहते हो, उसके विवाह के विषय में, उसकी पढ़ाई के विषय में, उसके ज्ञान के विषय में, या उसके चाल चलन के विषय में, उसके भविष्य के विषय में, आप क्या पूछना चाहते हो? अभी तक सिर्फ जम्बू स्वामी ने इतना ही कहा कि प्रभु मैं अपने भगवान महावीर के विषय में जानना चाहता हूँ, लेकिन क्या जानना चाहता हूँ? अब आगे वो बताते हैं, फिर पूछते हैं, कहं चैनालंग कहं दंस नंग से सीलंग कहं नाए सुत से आसी जाना सी नंग बिखु जहाँ तहे नंग आहा सुतंग बोही जहाँ निसंतंग। अब बात कही उन्होंने, उन्होंने कहा हे महाभिक्षु, हे मेरे गुरु, हे आचार्य प्रवण, मैं उस ज्ञात पुत्र महाश्रमण महावीर का ज्ञात पुत्र, समझते जाना यहाँ इन्होंने भगवान महावीर को किस शब्द से संबोधित किया, ज्ञात पुत्र। सब कुछ आ जाएगा इस पुच्छी सुनंग में, भगवान महावीर को किस किस शब्द से संबोधित किया, किन किन उपाधियों से संबोधित किया, यहां कहा गया ज्ञात पुत्र। उस ज्ञात पुत्र महाश्रमण महावीर का मैं उनका नानंग दंशन चारित्र, यानी उनका ज्ञान दर्शन और चारित्र जानना चाहता हूं। उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनका चारित्र कैसा था? गुरुदेव आपने तो उनको देखा है, आपने तो उनको सुना है, जैसा आप जानते हैं, जैसा आपने उन्हें देखा है, वैसा ही मुझे बताने की कृपा करें। आज हमने वीर स्तुति में प्रवेश किया। बंधुओं सबसे पहली गाथा में एक शब्द आया, एकांत हितकारी। इस शब्द को थोड़ा सा समझना होगा। आप कहोगे हितकारी तो सभी धर्म होते हैं, सभी धर्म मंगलकारी होते हैं, ये आपकी मान्यता है, ये मान्यता आपकी है, क्योंकि आप ही कहते हैं महाराज हम तो सभी धर्मों को एक मानते हैं, किसी में कोई अंतर नहीं होता, सभी भगवान एक जैसे हैं, ये आप मानते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप और मोदी एक जैसे हो? अगर एक जैसे हो तो आपका तो इतना सम्मान नहीं होता जितना आपके भारत के प्रधानमंत्री का होता है। शरीर से भले ही एक जैसे हो, लेकिन गुणों से, पद से, व्यवहार से, प्रॉपर्टी से, धन वैभव ऐश्वर्य से बहुत अंतर है। यही अंतर है। जहां हम अपने भगवान तीर्थंकर में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को मिला देते हैं, नहीं, कहां हमारे तीर्थंकर भगवान जिनके चरणों में देवी देवता स्वयं नतमस्तक होते हो, उनकी कौन बराबरी कर सकता है? तीन लोक में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में भी उनकी कोई बराबरी करने वाला पैदा नहीं होता। यहां तक कि केवल ज्ञानी भी तीर्थंकरों की बराबरी नहीं कर सकता।
क्योंकि तीर्थंकरों के अतिशय होते हैं, केवल ज्ञानियों के अतिशय नहीं होते। केवल ज्ञान तो सामान्य मनुष्य को भी हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर तो तीर्थंकर ही होते हैं। और ऐसे तीर्थंकर प्रत्येक अवसर्पनी, प्रत्येक उत्सर्पनी काल में, यानी इतने बड़े आरे में, प्रत्येक आरे में, प्रत्येक अवसर्पनी और उत्सर्पनी काल में सिर्फ 24 ही होते हैं। अगर कोई उनकी बराबरी करने वाला होता तो 25-26 ऐसे तो कितने भी तीर्थंकर हो सकते थे, 24 की ही क्या जरूरत थी। अगर 24 ही है तो इसका मतलब है कि उनके समकक्ष, उनके बराबर में बैठने वाला कोई नहीं है। ये आपका और हमारा सौभाग्य है जो हमें ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का शासन मिला, ऐसे प्रभु महावीर का शासन वाला जो इन तीनों लोकों में पूजनीय है, जिनके समान इस दुनिया में कोई नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और बंधुओं, ना कोई हो सकता है, सिर्फ तीर्थंकर ही तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर कोई भी हो। लेकिन और बात बताऊं, यदि कष्टों की दृष्टि से देखें, उपसर्गों की दृष्टि से देखें, तो हमारे जैनाचार्यों ने तो ये भी कह दिया, 23 तीर्थंकर एक तरफ और भगवान महावीर एक तरफ, इतना भी कहा। ये है हमारे तीर्थंकर भगवंतों का स्वरूप, कि सभी एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। बंधुओं, ये धारणा सिर्फ हमारी है, हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग भटक रहे हैं, इसलिए हमने ये धारणा बना ली कि हमारे लिए सब बराबर है। 5 महाव्रतधारी साधु और एक गृहस्त साधु में कितना अंतर है, बराबर कैसे हो सकते हैं। एक त्यागी साधु और एक संसारी साधु में जमीन आसमान का अंतर है, आप बराबर कैसे कर सकते हो उनको, नहीं कर सकते। इस पाठ पर सिर्फ 5 महाव्रतधारी साधु बैठ सकता है, कोई गृहस्थ साधु नहीं बैठ सकता संतों के बराबर में, तो आप उनको बराबर का दर्जा कैसे दे सकते हो। भगवान महावीर का शासन, शास्त्र लिखा इसमें, एकांत हित रूप है, यानी ये सिर्फ हित करने वाला है, अहित नहीं करने वाला। ये भी देखो, पकड़ो इन शब्दों को, ये सिर्फ हित करने वाला है, अहित नहीं करने वाला। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, होते हैं जीवन के भी दो पहलू होते हैं, सुख दुख, दिन रात, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, हर जगह आपको दो पहलू मिलेंगे। लेकिन जो भगवान महावीर का धर्म है ना, उसका सिर्फ एक ही पहलू है, हित, सुख। और वो अव्याबाध सुख जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ये सिर्फ जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो धर्म बताया सिर्फ उसमें है। अन्य धर्मों में क्या होता है, कभी बलि प्रथा है, कभी किसी चीज की सुख शांति के लिए यज्ञ हवन करवाए जाते हैं, किसी की बलि दी जाती है। कई कई क्षेत्रों में हम देखते भी हैं, मनोकामना पूरी हो जाए, यहाँ घोड़ा चढ़ा दो जी, यहाँ बकरा चढ़ा दो जी, यहाँ मुर्गा चढ़ा दो जी, यहाँ ये चढ़ा दो जी, उसमें क्या है, हिंसा है। उसे जैन धर्म हिंसा कहता है। यदि तुम्हें एक सुख हिंसा करके मिल रहा है, तो भगवान महावीर कह रहे हैं जो तुम हिंसा कर रहे हो वो तुम्हें दुख में प्राप्त होने वाली है, वो उसका फल तुम्हें दुख रूप मिलेगा। तो इसका मतलब वो एकांत हितकारी नहीं है, वो हितकारी भी है तो अहितकारी भी है, यानी कुछ क्षण का वो सुख देने वाली है लेकिन बाद में दुख देने वाली है। लेकिन भगवान महावीर का धर्म जो अहिंसामय है, संयममय है, तपमय है, इसमें ना हिंसा है, ना पाप का कोई काम है, ना किसी जीव को दुखी करने का कोई काम है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, जो हम तपस्या करते हैं, जो हम तपस्या कर रहे हैं, बंधु हो,
उस तपस्या से हमारे शरीर को भले ही थोड़ा सा कष्ट होता हो, लेकिन ये भी एकांत हित रूप है। यानी जो आज आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, कल को भविष्य में वो आपकी कर्मों की निर्जरा करने वाला होगा, आपको सुख देने वाला होगा। वैज्ञानिकों ने जितने भी आविष्कार किए, उसके एक पहलू है या दो पहलू है? हाँ जी बहनों बताओ, सभी के दो पहलू हैं। अगर हम शुरू से शुरू करें, मोबाइल का ले लें, अगर हम इसका हित रूप देखें तो बहुत लाभकारी भी है, लेकिन अहित रूप, आज संसार जो बिगड़ रहा है ना, वो इसी के कारण बिगड़ रहा है। कहते हैं अगर बच्चे बिगड़ जाए तो मोबाइल ने खराब कर दिया, और अगर मोबाइल खराब हो जाए तो बच्चों ने खराब कर दी। ये दो पहलू हैं। वही बात है, अगर जो गाड़ी आई सुख देने के लिए आई, व्यक्ति बड़ा खुश था मुझे गाड़ी मिली, लेकिन अब उसी गाड़ी के धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा है, अब उसी गाड़ी से इंसान जिसमें सुख ढूंढता था, एक्सीडेंट हो जाए तो वो बेचारा जीवित रहे या ना रहे, या शरीर टूट फूट जाए, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। बंधुओं चिंतन करके देखो, आज कहते हैं वैज्ञानिक कहां से कहां बढ़ गया, ये मनुष्य का दिमाग है, ये मनुष्य ने इतने इतने आविष्कार किए, ये देखो साइंटिस्ट के पास कितना दिमाग है। आज से पहले क्या हमारे पूर्वजों के पास ये दिमाग नहीं था? हाँ जी, क्या तेनालीराम जैसे जो इतने विद्वान हुए, अभय कुमार मंत्री जैसे, बीरबल जैसे इतने समझदार इंसान हुए जो चुटकी भर में ही न्याय कर देते थे, क्या उनका दिमाग वैज्ञानिक नहीं था? फिर उन्होंने ये आविष्कार क्यों नहीं किए? जिन्होंने अंबेडकर जैसे ने ये संविधान रच दिए, इतने बड़े बड़े काम कर दिए, एक से एक ऐसे हमारे देश में बुद्धिमान लोग हो गए। एक बार किताब पढ़ लेते थे विवेकानंद जी, दूसरी बार किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये बता देते इस पन्ने पर ये लिखा है। तो उन्होंने इन चीजों का आविष्कार क्यों नहीं किया? चलो ये भी छोड़ो आप बात, भगवान महावीर तो केवल ज्ञानी थे, उनसे क्या छिपा हुआ था, वो तो अपने ज्ञान में देखकर ये भी बता देते थे ये तार यहाँ से यहाँ लेकर जाओ, इस तार को ऐसे करो, ये काम ऐसे करो, इस रॉकेट को ऐसे उड़ाओ, इसको ऐसे उड़ा दो, इसको ये कर दो, भगवान से क्या छिपा था? उन्होंने इन चीजों का आविष्कार क्यों नहीं किया? जब भगवान ऋषभ देव भोग भूमि से कर्म भूमि में लेकर आने के लिए असी मसी कृषि का ज्ञान दे सकते हैं, विद्या का ज्ञान दे सकते हैं, राज्य की संरचना का ज्ञान दे सकते हैं, युद्ध करना सिखा सकते हैं, तो भगवान महावीर स्वामी ने इन चीजों का ज्ञान क्यों नहीं दिया? कभी प्रश्न नहीं आता आपके मन में? कभी तो सोचते होंगे, कभी तो चिंतन करते होंगे कि भगवान केवल ज्ञानी महाप्रभु जिनसे लोक अलोक का कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले भगवान, अगर इन चीजों का निर्माण कर जाते आज तो भारत पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता, तो उन्होंने इन चीजों का निर्माण क्यों नहीं किया? जब भगवान ऋषभ देव निर्माण कर सकते हैं तो भगवान महावीर ने क्यों नहीं किया? कोई बताएगा? देखो अभी क्या बताया, एकांत हित रूप। भगवान महावीर ने वही कहा जो एकांत हित रूप हो, सिर्फ हितकारी हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, इस जन्म में भी सुख देने वाला हो, अगले जन्मों में भी सुख देने वाला हो, लेकिन जितने भी ये आविष्कार हैं ये एकांत हित रूप नहीं है। तीर्थंकर कोई भी उपदेश ऐसा नहीं देते जो बाद में दुख का, परेशानी का, संकट का, पाप का कारण बने। इसलिए
तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसा कोई उपदेश ना दिया, ना बताया, ना ऐसी किसी चीज की रचना की। अब आप कहोगे फिर भगवान ऋषभ देव ने क्यों किया, अब सैनिक को बनाए, ये करा, असी मसी कृषि का ज्ञान दिया, उसमें भी युद्ध होंगे, ये होंगे। उस समय सृष्टि की रचना करने का भाव था, क्योंकि अगर सृष्टि की रचना अगर वो ना करते तो लोगों में कला कलेश का वातावरण और ज़्यादा बढ़ जाता, वो भाव दूसरा था। लेकिन भगवान महावीर का शासन जो है वो समाप्ति की ओर है, यानी ये आखिर अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। अब इनको दुनिया को सिर्फ एकांत हित रूप ही उपदेश देना था, क्योंकि ये जानते थे आने वाला आरा पंचम आरा है। पाप तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे, अधर्म तो अपने आप फैल ही जाएगा, यहाँ पापी लोग अपने आप बढ़ जाएंगे, इसलिए मुझे पाप का उपदेश देने की जरूरत ही नहीं। इसलिए भगवान ने जो उपदेश दिया वो एकांत हित रूप उपदेश दिया, जिसमें खुद का भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, इस लोक में भी कल्याण हो और परलोक में भी कल्याण हो। भगवान ने जिस धर्म का उपदेश दिया, अब आप कहोगे कि धर्म कौन सा उत्तम है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को उत्तम मानता है। बंधुओं, कहा गया है धम्मो मंगल मुकिठं अहिंसा संयमो तपो। इस संसार में वही धर्म उत्कृष्ट मंगल रूप है जिस धर्म में अहिंसा हो। अब आप देख लेना किस धर्म में अहिंसा है, जिस धर्म में अहिंसा हो, जिस धर्म में संयम हो, जिस धर्म में तप की आराधना हो, संयम यानी त्याग हो, ब्रह्मचर्य की आराधना हो, शील की आराधना हो, जहाँ इंद्रियों का दमन हो, जहाँ तपस्या हो, शरीर को तपाया जाता हो, आत्मा को तपाया जाता हो, जहाँ अहिंसा हो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक समय में दूसरे जीवों के प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव हो, इतनी करुणा आ जाए कि यदि हमें स्वयं कष्ट पाकर भी दूसरे को बचाना पड़े, स्वयं बलिदान देकर भी दूसरे की रक्षा करनी पड़े, तो हम करने के लिए तत्पर हो जाए, जैसे धर्म रुचि अनगार ने की थी। वही धर्म रुचि अनगार जिन्होंने वो कड़वी सब्जी, कड़वा शाक स्वयं पी लिया, लेकिन चींटियों की रक्षा करते हुए उन्होंने वो अपने उदर में डाल लिया। कहते कहाँ तो एक मरेगा, कहाँ अनेक जीव मरेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं स्वयं अपने प्राणों का त्याग कर दूं और इतने जीवों की रक्षा कर जाऊं। यह है भगवान महावीर का धर्म, यह सिखाता है भगवान महावीर का धर्म। इसलिए ये एकांत हित रूप है, अहिंसा से धर्म संयम में और तपमय जो ये धर्म है ये उत्तम है, तीनों लोक में उत्तम है। और अब बंधुओं उनके जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कहं च नानं कह दंसनं से, प्रभु उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनका चारित्र कैसा था। देखो पूछने वाले ने क्या पूछा, ये नहीं पूछा किनके बेटे थे वो, किस परिवार के थे वो, और कितनी संपत्ति थी उनकी, उनके पिता क्या करते थे, दिखते कैसे थे, सुंदर थे, कैसे थे, कैसे दिखते थे, नहीं ये नहीं पूछा उन्होंने। आप साधु साध्वियों के पास दर्शन करने को जाते हो, या कोई नया साधु साध्वी आपके क्षेत्र में आ जाए, घर में गोचरी बाद में बहराएंगे, पहले क्या पूछोगे बताओ? हाँ जी, पहले क्या पूछते हो, महाराज जी कौन से टोले के, कौन से गच्छ के, कौन से संप्रदाय के, आपकी गुरनी का नाम क्या है, गोचरी बाद में बहराएंगे, पहले ये पूछेंगे। ठीक है, श्रावक का कर्तव्य है पूछना, लेकिन विनय क्या है, पहले गोचरी दो साधु को, उसके बाद में उससे प्रश्न करो। वैसे तो गृहस्थियों से वार्तालाप घरों में करना ही नहीं होता, आप स्थानक आओ, विनय वंदन नमस्कार करो, फिर अपनी जिज्ञासा गुरुओं के चरणों में रखो। गोचरी देने से पहले पूछने का अभिप्राय क्या है, मतलब आप गोचरी संप्रदाय देखकर बहराओगे, या गच्छ देखकर बहराओगे, या टोला देखकर बहराओगे,
हाँ जी, ये अभिप्राय है। और मैं ये कह दूं कि कईयों का ये अभिप्राय होता है तो विश्वास होगा आपको। एक घटना हमारे साथ भी घटित हुई, स्वयं की घटित घटना बता रही हूं आपको। एक क्षेत्र में हमारा जाना हुआ, कोचरी को गए साध्वियां, माता जी रसोई में थी, गोचरी बहराने लगी, बहराते बहराते पूछने लगी, कौन से टोले के जी, कौन से गच्छ के जी, अब बताओ बिहार करके इतनी दूर से साधु साध्वी आया, पहले तुम गोचरी पानी दो, धूप चढ़ रही है, पहले वो साता देखो। लेकिन नहीं, पहले कौन सा टोला, कौन सा गच्छ, कौन सी संप्रदाय। बताया साध्वियों ने कि जी ऐसे ऐसे हम महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब की सतियाँ। अच्छा, सुंदरी देवी जी की सतियाँ? हाँ जी सर। बंधुओं, वो बहन ना रस बहरा रही थी, सच की बात बता रही हूँ मैं आपको, रस बहरा रही थी। उस बहन ने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू ये तो अपनी सतियाँ हैं, जा बढ़िया वाले रस लेकर आ। कल्पना कर सकते हो आप, क्या सोच सकते हो इस बात से आप? मैं आपको जो बता रही हूं, क्यों सुनना जरूरी है भगवान महावीर को, मैं ये बता रही हूं आपको, इसलिए सुनो महावीर को। क्या पूछा उन्होंने, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था, कौन सा गच्छ, कौन सा संप्रदाय, कौन से वंश के थे, ये नहीं पूछा। जैसे उस बहन ने ये बात कही, सतिया हैरान रह गए, कहते बहन चाहिए नहीं, ना जी ना, आप तो अपनी गुरनी की हो, लेकर जाओ बढ़िया वाले लेकर जाओ। उसने कहा बहन हम बढ़िया वाले लेते ही नहीं, जिस शब्द का नाम ही बढ़िया वाला, साधु के लिए क्या बढ़िया क्या घटिया, जो श्रद्धा से बहरा दिया, यदि वो सूखी रोटी भी बहराई है श्रावक ने, अपनी परिस्थिति के अनुरूप जैसा वो खाता है वैसा बहराया है, तो वो भी गुरुओं के लिए। तो बंधुओं, क्या उससे बड़ी बात क्या है, भावना से जो चीज बहराई गई, चिंतन करके देखो। सतियों ने पात्र उठाए लौटाई, क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लो महाराज जी ले लो ना, नहीं चाहिए बहन, नहीं चाहिए, लौट आए, गुरनी जी को बात बताई जी ऐसे ऐसे। हैरान रह गए, कैसे कैसे लोग हैं, क्या आजकल गोचरी भी गच्छ संप्रदाय संग देखकर बहराई जाती है। आप श्रावक को, आपका कर्तव्य है साधु के पात्र में अहो भाव से दान देना। बंधुओं, इस जीवन में दान दे सकते हो सिर्फ आप, इस जीवन में, बाकी चारों गतियों में से एक मनुष्य गति ऐसी है जिसमें साधु के पात्र में आप दान डाल सकते हो। तीनों गतियों में कहीं भी देवता भी बन जाओगे ना, तो भी साधु को गोचरी बहराने से वंचित ही रहोगे, तरसोगे कि कब मनुष्य जन्म मुझे प्राप्त हो, कब मैं किसी साधु के पात्र में गोचरी बहराऊं। और मनुष्य गति में यदि साधु के पात्र में गोचरी बहराते हुए भी हमारे मन में ये भाव आ रहा है, तो सोचो क्या आप श्रावक हो या भक्त हो, चिंतन करके देखना। जम्बू कुमार मुनि अपने गुरु से पूछ रहे हैं उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था। गुरु ने सुना, प्रसन्नता हो, आज तो जम्बू स्वामी मुझे मेरी पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। जब भी कोई पूछता है, याद तो आई जाती है बड़े बुजुर्गों की, कैसे हम भगवान के पास बैठते थे, कैसे उनसे प्रश्न पूछते थे, कैसे भगवान समाधान देते थे। और याद कर करके मुझे ऐसा लगता है सुधर्मा स्वामी की तो आंखें भर आई होगी। भगवान महावीर को जब उन्होंने याद किया होगा, उनकी तो आंखें भर आई होंगी, स्मृतियां ताजी हो गई होंगी। और इस तरह से वो पूरे समो शरण का नजारा, वो भगवान महावीर का दिव्य रूप किस तरह आचार्य सुधर्मा स्वामी की आंखों के आगे आ गया, और उन स्मृतियों को ताजा जम्बू कर रहे हैं, आनंद सुधर्मा स्वामी ले रहे हैं, हम भी उस आनंद को सुनेंगे अगले समयों में,
कैसा आनंद बरस रहा था वहाँ पर, क्या बता रहे थे वो अपने गुरु भगवान के लिए। आपसे जब आपके बच्चे पूछे दादा कैसे थे, आप कहते हो इतनी बड़ी बड़ी मूछों वाले थे, ऐसे बाल बनाकर रहते थे, ऐसे कपड़े पहनकर रहते थे, उनका तो बड़ा रोब था, ऐसे जब चलते थे तो लोग भी देखते थे, समाज में एक हुंकार भरते थे, सारे आगे आकर खड़े हो जाते थे। ये उनकी बात है, पर्सनैलिटी की बात है, लेकिन आचार्य सुधर्मा स्वामी अपने भगवान के लिए क्या बताएंगे, सुनेंगे अगले समयों में। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरुनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। एगार संगम सुतथ धाराये सब साहुए, धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरुनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप साध्वी सुविता जी के ओजस्वी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे और प्रभु महावीर ने हम सभी के लिए जो ज्ञान गंगा बहाई, उस ज्ञान गंगा में एक अनमोल सूत्र दिया है, भव्य जीवात्माओं इस मनुष्य जीवन को पाया, तुमने घर संसार बसाया और इस घर संसार को, इस परिवार को चलाने के लिए बहुत जरूरी है घर में धन होना। आपके पास, आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में, आपकी पेटी में अगर धन है तो आपकी परिवार में इज्जत है, आपकी समाज में इज्जत है, आप परिवार में, पड़ोस में, आप रिश्तेदारों के भी यहाँ जाओगे तो पैसा है तो कोई राम राम करेगा, पैसा नहीं होगा तो अपना व्यक्ति भी आपके साइड से अनजानों की तरह निकल जाएगा, ये सत्य है। लेकिन प्रभु महावीर स्वामी ने फरमाया धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, धन साधन है साध्य नहीं है, इस धन का सदुपयोग अगर करते हो तो ये धन आपकी कर्म निर्जरा का साधन बन सकता है, क्योंकि धन की तीन स्थिति बताई गई है। धन का प्रयोग अगर दान में करते हो तो आपकी लक्ष्मी महालक्ष्मी बन जाएगी, आप अगर अपने धन का खुद के लिए प्रयोग करते हो, खुद के लिए सुख साधन बटोरते हो तो आपका धन लक्ष्मी कहलाएगा। लेकिन अगर आपने उस धन को न खाया न खर्च किया लेकिन उसे केवल मात्र जोड़ते रहे तो ऐसा वो धन ऐ लक्ष्मी बन जाएगा, आपके घरों में वो व्यसनों के अड्डे बना लेगा, पाप के अड्डे बना देगा और आपका घर परिवार सुखी बनने के बजाय वो धन आपके दुख का कारण बन जाएगा। बंधुओं, प्रामाणिक धन जीवन में खुशियां लेकर आता है, घर परिवार में विकास लेकर आता है, उन्नति का भाव लेकर आता है, प्रेम और प्यार की अभिवृद्धि करता है। बंधुओं, आओ आपको लेकर चलूं गुजरात के एक श्रावक से मिलवाने के लिए। ये गुजरात का वो श्रावक है
जो आज इस दुनिया में नहीं लेकिन इस दुनिया में ना होकर भी उसका नाम आज तक भी अमर है, उसका नाम आज भी पूरे इज्जत के साथ लिया जाता है। और गुजरात का तो हर श्रावक उनके नाम के आगे नतमस्तक है। घटना क्या बनी? घटना यूं घटित हुई, अहमदाबाद का बादशाह था मोहम्मद बेग, और यही से थोड़ी दूर चंपानेर के नरेश का नाम था चापसी मेहता। चापसी मेहता और उमराव सादुल्ला खां राज दरबार में जा रहे थे। रास्ते में एक चारण मिला, चारण होते थे उस समय जो बड़े बड़े लोगों की विरुद्धावली गाया करते, उनकी प्रशस्ति गीत लिखा करते और किसी का भी गुणगान बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया करते थे, ये उनका पेशा हुआ करता था। जो चारण मिला, चारण ने चंपानेर के नरेश चापसी मेहता को प्रणाम करते हुए कहा, पहले शाह फिर बादशाह। हाँ जी, समझे आप मेरी बात? प्रणाम करते हुए केवल ये भी कहा जा सकता था मैं महाराज को नमस्कार करता हूँ, लेकिन उस चारण ने चापसी मेहता का गुणगान करते हुए कहा, मैं प्रणाम करता हूँ पहले शाह फिर बादशाह। बस इतनी सी बात थी और ये बात चिंगारी बन गई, और ये चिंगारी उछलते उछलते सादुल्ला खान ने जाकर राज दरबार में मोहम्मद बेग को भड़का दिया। भड़कने वाले भी राजा बड़े कानों के कच्चे होते थे। मोहम्मद बेग को जब ये पता चला कि एक चारण ने चापसी मेहता को इतना सम्मान दिया और मेरा नाम बाद में लिया, बस कुछ ऐसा मौका बन गया। मोहम्मद बेग ने इन शाहों के परिवार को बुलाया। उसी समय गुजरात में अकाल पड़ा हुआ था और ये घटना है संवत 1539 की। गुजरात में जो ये अकाल पड़ा, जिसकी जिम्मेदारी थी मोहम्मद बेग की, लेकिन मोहम्मद बेग ने अपने क्रोध को इन शाहों पर उतारते हुए कहा, हमने सुना था पहले शाह फिर बादशाह। मेरे भाइयों, वैसे तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे, जो गुजरात के श्रावक होते हैं, जैसे आपके नाम के साथ आपका गोत्र लगता है, वहाँ गुजरात में इन जैन श्रावकों के नाम के साथ शाह लगा करता है। चापसी मेहता को बुलाया गया और कहा कि हमने आपकी बड़ी प्रशंसाएं सुनी हैं। चापसी मेहता ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि जो जैन परिवार हैं, जैन संघ हैं, समय समय पर उत्कृष्ट कार्य किया करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज कर्तव्य पर दोबारा तैनात होने का अवसर आया है। गुजरात में अकाल पड़ा है, हम चाहते हैं कि आप पूरे गुजरात को भोजन कराओ। चंपानेर के नरेश चापसी मेहता ने हाथ जोड़े और बात को स्वीकार किया। शाहों की पंचायत बुलाई गई और कहा कि आज हमारे जैन धर्म पर, आज हमारे जैन परिवारों पर, जैन संघ के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे। मोहम्मद बेग बादशाह ने हम शाहों की एक ड्यूटी लगाई है, इस अकाल पीड़ित गुजरात को
भोजन कराना है, और भोजन कितने समय कराना है? एक महीना, दो महीना नहीं, पूरे वर्ष भर तक गुजरात का पोषण करना है। सबने सुना मेरे भाइयों, आपको लगा कोई खास बात तो है नहीं, खास बात है या नहीं है? आज चतुर्मास में चार महीने की, पांच महीने की अपनी बारियां लिखवानी होती हैं, उसके लिए भी संघ में, समाज में बार बार कहलवाना पड़ता है, वो चंदा लिखना पड़ता है, उसको भी हम अपनी स्वेच्छा से, कोई कहे हमें, उससे पहले हम बारी लिखवाएं, हम वंचित रह जाते हैं। और यहाँ शाहों को पूरे एक वर्ष तक गुजरात को भोजन करवाना। चंपानेर के महाराज चापसी मेहता जगह जगह घूम रहे हैं, सबसे पहले बारी मेरी तरफ से लिखी जाए। जितने भी शाह बैठे हुए थे बढ़ चढ़कर बारियां लिखवा रहे थे, और देखते ही देखते चार महीने की बारियां चुटकियों में पूरी हो गई। लेकिन लिखने कितने टाइम की हैं? पूरे वर्ष भर की बारियां जिसे लिखनी हो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। चापसी मेहता ने चार महीने की बारियां लिखी। उसके बाद पाटन के लोगों को बुलाया गया, पाटन के लोगों ने दो महीने की बारियां देखते ही देखते लिखवा दी। उसके बाद पाटन के बाद नंबर आया धोलका का। धोलका में पहुंचने के बाद वहां से 10 दिन की बारियां और लिखी गई। धोलका से धुंधका होते हुए उन्हें आगे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा गांव आता था हडाला। हडाला से होते हुए गुजर रहे थे, लगभग दोपहर का समय हो गया था। इसी हडाला गांव का एक निवासी ऊंची सी मैली सी धोती, आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ऊंची सी मैली सी धोती, शरीर पर कमीज की जगह केवल एक बनियान, और ऐसी उस अवस्था में ये व्यक्ति पशुओं को पानी पिलाने के लिए कुएं पर जा रहा था। उसने देखा कि कुछ सफेद वस्त्र पहने हुए जाने पहचाने से लोग लगते हैं। उस श्रावक ने उन सभी सहधार्मिक भाइयों को जय जिनेंद्र कहकर बुलाया। सबने आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र बुलाई, और जय जिनेंद्र बुलाकर उस सामान्य से गृहस्थ ने कहा, आज इतनी गर्मी में मेरे जैन भाई कहाँ जा रहे हैं? आज सारे शाह मिलकर कहाँ जा रहे हैं? चापसी मेहता कहने लगे, गुजरात पर संकट आया है, हमारे को एक साल की बारियां लिखने के लिए हमें धोलका जाना है। धोलका जाना है? धोलका अभी यहाँ से 4 कोस है, दोपहर का समय हो रहा है, इतनी तेज गर्मी हो रही है, आप इस समय कहाँ जाएंगे? यहाँ पास में मेरा घर है। हाँ जी मेरी बहनों, श्रावक जी कुछ मेहमानों को घर लेकर आ रहे हैं। उन श्रावकों ने आनाकानी भी की, नहीं नहीं आप समय ना जाया करो हमारा, और हमें अभी बहुत दूर जाना है, अभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वो श्रावक हाथ जोड़कर खड़ा रहा, नहीं देखो ऐसे नहीं जाना, मेरा घर बिल्कुल पास में है, ज़्यादा नहीं तो पानी पी कर जाना, जो कुछ मेरे घर है वो लेकर जाना।
इस सामान्य से श्रावक का नाम था खेमादारनी। फिर सुनेंगे, श्रावक का नाम था खेमादारनी। वो श्रावक जब अपने घर लेकर गया तो खेमादारनी की माता ने सभी सहधार्मिक भाइयों का इतना उचित सम्मान किया, सबको बिठाया, भोजन पानी परोसा, और भोजन पानी परोसने के बीच में खेमादारनी ने अब पूछा कि अब आप मुझे बताएं, आपने कितनी बारियां लिख ली, कितनी बारियां लिखनी शेष हैं? वो श्रावक थोड़े अब बुझे बुझे मन से बैठे रहे, हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, हमें इतनी दूर जाना है, भला यहाँ इस घर से हमें कोई बारी मिलने वाली है? बारी मिले तो कोई फायदा भी है। इस बीच में खेमादारनी कहने लगा, आप लोग बैठो, मैं अभी आया। खेमादारनी अंदर कमरे में बैठे हुए अपने पिता के पास गए और अपने पिता से कहने लगे, पिताश्री, शाहों के परिवार आए हैं, ऐसे गुजरात में भोजन की समस्या आ गई है और हमारे जैन परिवारों को गुजरात को भोजन देना है, कितनी बारी लिखवाऊं? हाँ जी भाइयों, जैन संघ आया है और जैन संघ बारी लिखना चाहता है, कपिल भाई कितनी बारी लिखवाऊं? लिख लो महाराज जी जितनी बची हो। नहीं महाराज जी, वो ना जाप की बारी तब लिखवाएंगे, सितंबर में मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है। जाप की बारी लिखवाने में हमें पंचांग टटोलने पड़ते हैं, हमें जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरियां लिखनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। लेकिन आज खेमादारनी के पिता ने जब ये सुना, कहने लगे, खेमादारनी आज अवसर आया है, ये अवसर चूक ना जाए, ये मौका हाथ से मत निकलने देना, जाओ कह दो जितनी बारियां हैं वो सारी बारी हमारी। एक बार प्रभु महावीर के शासन की एक बार जयकार तो बनती है, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बंधुओं, खेमादारनी के पिता कह रहे हैं, जितनी बारियां लिख ली वो अलग, जाकर इन्हें कहो कि पूरे साल तो क्या, हम अपने परिवार की तरफ से अगर गुजरात का ये अकाल दूर नहीं होता तो हम एक साल नहीं पूरे 12 साल अकेला एक परिवार गुजरात को भोजन कराएगा। खेमादारनी बाहर आया और बाहर आकर कहने लगा उन श्रावकों से, भाइयों, मेरी ऐसी इच्छा है कि जितनी बारियां आपने लिख ली उतनी बारियां अलग कर लो, पूरे एक साल की बारी हमारी तरफ से गुजरात को दी जाती है। उनमें से जो श्रावक प्रमुख था, वो प्रमुख श्रावक खेमादारनी को समझाने लगा, मेरे भाई क्या सोच रहे हो तुम, यहाँ केवल जैन परिवारों को भोजन नहीं कराना, केवल मात्र अहमदाबाद के लोगों को भोजन नहीं कराना, यहाँ पूरे गुजरात को भोजन कराना है, और पूरे गुजरात को भोजन कराने का अर्थ समझते हो? जी हाँ, शायद मेरे भाइयों, आप मेरे कपड़ों को देख रहे हो, आप मेरे घर के वातावरण को देख रहे हो। उसमें से श्रावकों को लिया और कहा, आप भीतर आओ। भीतर आने के बाद खेमादारनी ने अपने घर में जमा तिजोरियों में जितना धन था वो सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया, आओ और नीचे आओ। तहखाने में
जो हीरे जवाहरात भरे हुए थे, उन हीरे जवाहरातों को उन श्रावकों के नाम कर दिया और कहा कि मेरा अकेला एक परिवार केवल एक वर्ष नहीं, अगर 12 वर्षों तक भी हमारे परिवार को भोजन देना पड़े तो गुजरात कभी भूखा नहीं रहेगा। जैसे ही उन सभी श्रावकों ने खेमादारनी का धन देखा तो याद करो प्रभु महावीर ने हमें यही तो कहा था, धन की 3 स्थिति हैं, या तो उन मुक्त मन से धन का दान देकर अपना रिजर्व बैंक फुल कर लो, अपना परलोक बैंक फुल कर लो, या धन का भोग कर लो। अगर खाया ना खर्चा किया तो इस धन की स्थिति है नाश हो जाना, ये धन हाथों में से निकल जाएगा। प्रभु महावीर स्वामी यही फरमा रहे हैं, जो तुमने इतनी मेहनत से धन कमाया है उस धन को अपने लिए खर्च करते हो वो बात समझ में आती है, लेकिन उस धन को दान देकर अपनी लक्ष्मी को परम लक्ष्मी बना लो, महालक्ष्मी बना लो। आप मेरी बात को सुनकर सोच रहे होंगे, अगले के पास खेमादारनी के पास इतना धन था तभी तो इतने साहस के साथ उसने सारा दे दिया। बंधुओं यही तो दुख है, जब हमारे पास नहीं होता तब हम सोचते हैं अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी उस श्रावक की तरह मैं भी दान देता, मेरा नाम भी बोर्ड पर लिखा जाता, मैं भी यहाँ खर्चा करता, मेरे नाम का भी पत्थर लगता। लेकिन मेरे भाइयों जब धन हो जाता है ना तो उस धन को छोड़ते वक्त दिल बहुत दुखता है। इस धन का दान करते समय व्यक्ति 10 बार सोचता है, यूं व्यापार में नुकसान हो जाए, सिर के ऊपर कर्जा चढ़ जाए, व्यक्ति नहीं सोचता। लेकिन बंधुओं महाप्रभु कहते हैं ये वही मनुष्य जन्म है, इसी मनुष्य जन्म में इसी मनुष्य गति में आप दान दे सकते हो, जो दान दोगे आपको परलोक बैंक में इसका दुगना तिगना आपको वहाँ रिजर्व मिलेगा। मिलकर दान की भावना बनाओ, जितने उन्मुक्त मन से दान देते चले जाओगे। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसके अपने खुद के खाने के लाले पड़े हों, लेकिन जब उसे दान देने का वक्त आया उसने उन्मुक्त मन से दान दिया और दान देकर अपना लोक सुधारा परलोक सुधारा। आप जानते हो कि वो व्यक्ति कौन है? थोड़ा चिंतन करेंगे, केवल अमीर व्यक्ति ही दान नहीं दे सकता, देने वाले की भावना अगर मजबूत है तो एक गरीब व्यक्ति भी दान दे सकता है। और वो दान देने वाला कौन था जो आज गरीब है और फिर ऐसा अमीर बना, ऐसा अमीर बना कि जिसके धन की कोई गिनती नहीं थी। समय आएगा आपके सामने चर्चाएं करेंगे, आज इतना ही कहकर अपने विषय को विराम देती हूँ। और अब हमारे कल हमारे प्रश्न थे आपके सामने, भगवान के समोसरण में, तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण में कितनी गति के जीव आते, कौन कौन सी गति के आते? हाँ जी, हाँ 3 गति कौन सी? 1 मिनट पीछे प्रवीण जी बोलेंगे आज। वेरी गुड, बहुत सुंदर। त्रियंच गति के जीव आ सकते हैं, मनुष्य गति के जीव आ सकते हैं और देव गति के जीव आ सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किन किन नारकियों को गर्मी, किन किन नारकियों को सर्दी सहन करनी पड़ती है? हाँ जी रीना बहन,
बहुत सुंदर उत्तर दिया इन्होंने, एक से लेके पांच तक, मतलब पांच से ऊपर ऊपर बहुत गर्मी सहन करनी पड़ती है और पांच से सात तक अत्यंत सर्दी इन नारकियों को सहन करनी पड़ती है। हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारे शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।